राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम बनाते हैं ठंडियों का बहुत ही मज़ेदार आलू गुटका। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये आलू ले लिए हैं। ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। मीडियम साइज़ के आलू को हम अच्छे से धो लेंगे। रगड़ रगड़ के धो लीजिएगा ताकि इसकी जितने भी मिट्टी है ना, अच्छे से साफ हो जाए। और ये देखिए, आलू एकदम मीडियम साइज का है और ये धुलकर एकदम साफ हो गया है। तो चलिए इसे हम उबाल लेते हैं। तो इसको हम कुकर में डाल करके, 1 गिलास पानी डाल करके इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं। और इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम में। और इधर हम तब तक इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं आलू गुटका के लिए। तो इसमें हम डालेंगे धनिए का डंठल। तो फ्रेंड्स, आज हम हरे धनिए का इस्तेमाल पत्तियों का नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डंठलों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम डंठल को अच्छे से धुल लिए हैं, जिसमें इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा रहता है, तो इसलिए हम इसको धोकर अच्छे से साफ कर लिए हैं। और अदरक ले लिए हैं, लहसुन ले लिए हैं, हरी मिर्च ले लिए हैं। मिर्च हम 3-4 लिए हैं, आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग मिर्च ले सकते हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच धनिया साबुत और जीरा को कूट लिए हैं। और डंठल को हम छोटे छोटे कट कर लिए हैं ताकि इसे कूटने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसे हमें खलबट्टे में ही कूटना है। और इसके बाद देखिए, डंठल को कूट लिए हैं, अब हम लहसुन को भी कूट लेंगे। इसी के साथ हम अदरक को भी कूट लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे ना, तो ये आसानी से कूट जाएगा। और हमारा खलबट्टा थोड़ा छोटा है, तो इसलिए हम बारी बारी से इसमें डाल करके कूट रहे हैं। अगर आपके पास बड़ा हो तो आप एक साथ सारी चीज़ को कूट सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम सारी चीज़ों को अच्छे से कूट लिए हैं। ये बारीक हो गया है और थोड़ा दरदरा भी है। तो यहाँ पे जो धनिया और अदरक लहसुन मिर्ची का जो चिंक्स रह जाते हैं ना, वो मुँह में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, इसे अच्छे से कूटने के बाद हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ देखिए, हमारा आलू भी बॉयल हो गया है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसका पानी निकाल करके इसे एक बड़ी सी थाली में निकाल लेंगे। और आलू को हमें एकदम ठंडा कर देना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं रहना चाहिए। तो लीजिए, अब हमारा आलू भी ठंडा हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि आलू को या तो आप छील लीजिए, या आप इसी तरह से बिना छीले भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि नया आलू है, इसके छिलके बहुत पतले होते हैं। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम एक ही आलू को छीले हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे आलू को छीलेंगे नहीं। इसमें आपकी चॉइस है, अगर आप छीलना चाहते हैं तो छील भी सकते हैं, वरना आप इसी तरह से इसको ऐसे बड़े बड़े पीसेज में कट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम सारे आलू को भी कट कर लेंगे बड़े बड़े पीसेज में। और ये देखिए, आलू एकदम ठंडा होना चाहिए। जब आलू ठंडा हो जाएगा ना, तो इसमें से वो, जैसे आलू जब गर्म रहता है और उसको कट करेंगे ना, तो वो उसमें पानी सा होता है, तो उससे क्या होगा कि हमारा आलू का जो गुटका है ना, वो सही नहीं बन पाएगा। और यहाँ देखिए, हम गैस पे लोहा की कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसको हम पहले नॉन स्टिक बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके और उसको तेज गर्म करके और एक कपड़े से पोंछ लिए हैं, तो ये नॉन स्टिक हो गया। इससे हमारा आलू इसमें चिपकेगा बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया और उसमें 1 चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। इसके बाद थोड़ा सा हींग डाल दिए हैं। फिर इसके बाद हम अपना सारा आलू डाल देंगे। और आलू को अभी हम हाई फ्लेम में भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक से ये अच्छे से लाल ना हो जाता है। तो इसको हम चारों तरफ से बराबर एकदम लाल कर लेंगे, जिससे कि आलू हमारी थोड़ी कुरकुरी सी हो जाएगी। और इसी के साथ देखिए, यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। बीच बीच में आप इसे मीडियम फ्लेम में भी भून सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर हाई फ्लेम में रहेगा तो आलू जलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से चलाते हुए हम लाल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, आलू हमारा थोड़ा सा लाल हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा मसाला डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लाल मिर्च डाले हैं, ये काश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा बहुत तीखा होता है और इसमें कलर अच्छा आता है। तो थोड़ा सा हल्दी डाल दिए हैं, 1/4 टेबल स्पून, और जो हम मसाला कूट करके रखे थे उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। और देखिएगा ये कितना टेस्टी बनकर तैयार होगा, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।
ये ठंडी के दिनों में ना बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे आप खा सकते हैं, पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और इसे हम और 10 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसाला का जो कच्चापन है ना सब निकल जाए, और इससे अधिक मसाला कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। अगर आप लहसुन खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आलू हमारा लगभग भून करके रेडी ही हो गया है। अब हम थोड़ा देर और भून लेते हैं लो फ्लेम में। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो लीजिए बस, ये हमारा चटाकेदार आलू बनकर के रेडी हो गया है, जिसे हम आलू गुटका भी कहते हैं। और इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारा आलू बन करके कितना बढ़िया रेडी हुआ है, और खाने में तो पूछिए ही मत, बहुत लाजवाब है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हरे धनिया डालकर इसे और भी डेकोरेट कर देते हैं, देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ खाने के लिए हम फुलका रोटी भी बना लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता, बहुत यमी लगता है। फ्रेंड्स एक बार आप भी ट्राई करिए और बना करके सभी को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे हम देखिए रोटी भी बना लिए हैं, इसी के साथ गर्मा गर्म रोटी के साथ इसे सर्व करेंगे, बहुत यमी लगता है। तो फ्रेंड्स जो तीखा मिर्चा खाते हैं ना तो उन्हें ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी रोटी जो है ना एकदम फुल्की बन करके रेडी हो गई है, अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इधर आलू गुटका रख लिए हैं, और ये हमारी रोटी गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएंगे और भी यम्मी लगेगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।